मानुषी छिल्लर, जो यशराज फिल्म्स के बड़े बजट के ऐतिहासिक पृथ्वीराज में अक्षय कुमार के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करेंगी, हमेशा महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहती हैं। वो हमारे देश की सबसे जागृत सहस्राब्दी युवा प्रतीकों में से एक है और अब UNDP उसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए चाहता है। UNDP ने उनके विविध कार्यों का बारीकी से पालन किया है। प्रोजेक्ट शक्ति के माध्यम से मासिक धर्म, स्वच्छता और HIV/AIDS जागरूकता की वकालत करने के अलावा उन्होंने मानुषी को लिंग आधारित हिंसा और COVID-19 जागरूकता अभियानों जैसे कई सामाजिक कारणों में सक्रिय रूप से संलग्न देखा है। वो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल और विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल 2022 को UNDP में शामिल होंगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ जुड़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, जिन पर हमें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, भारत की 17वीं मिस वर्ल्ड विजेता मानुषी छिल्लर कहती है। UNDP वैश्विक स्वास्थ्य और टीकाकरण कार्य में अग्रणी है। मैं दर्शकों को जगाने और इन महत्वपूर्ण चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, मानुषी छिल्लर कहती है। जान बचाने के लिए टीकाकरण जरूरी है। आज से विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मैं भारत के लिए UNDP के एजेंडे को अथक रूप से बढ़ावा दूंगा। काम करने और दूसरों की देखभाल करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है, इसलिए मैं UNDP में शामिल होने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए उत्साहित हूँ।